फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा आपको अपने चैनल शेखावटी गार्डनिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बड़े खूबसूरत से प्लांट्स रजनीगंधा, जिसे ट्यूबर रोज भी कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करें। रजनीगंधा समर्स का पेरिनियल प्लांट है। इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसको सनलाइट चाहिए, कैसे इसको वाटरिंग चाहिए, कैसे इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं, किस तरह इसको ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। रजनीगंधा समर्स का पेरिनियल प्लांट है। ये पूरा साल चलता रहता है पर विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है। मिट्टी इस प्लांट को कैसी चाहिए, मिट्टी जमीन में कैसी भी मिट्टी में लग जाते हैं, पर हम इसे गमले में लगा रहे हैं तो इसके लिए वेल्डिंग पोटिंग सोयल तैयार करनी पड़ेगी। वेल्डिंग पोटिंग सोयल के लिए 1/3 गार्डन की टॉप सोयल, 1/3 सैंड लेंगे, 1/3 कंपोस्ट लेंगे। कंपोस्ट में काउ डंग मैन्योर, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गॉट मैन्योर, जो भी आपके पास मैन्योर हो वो ले सकते हैं। और 1 चम्मच फंजीसाइड लेंगे। फंजीसाइड इसलिए लेंगे कि ये बल्बस प्लांट है तो बल्ब वाले प्लांट्स के लिए फंजीसाइड मस्ट रहता है। सनलाइट इस प्लांट को किसी चाहिए, सनलाइट इस प्लांट को 3 से 4 घंटे की सनलाइट भी अच्छी रहती है और ब्राइट सनलाइट में भी अच्छा ग्रो करता है। पानी इस प्लांट को कैसे चाहिए, वाटरिंग इस प्लांट की टॉप सॉइल सूखने पर ही पानी दें। मिट्टी इसकी थोड़ी ड्राई साइड में रखें और मिट्टी मॉइस्ट भी रखें। प्रोपगेशन इस प्लांट को फरवरी मार्च में बल्ब के थ्रू लगाया जाता है और ये बल्ब के थ्रू ही अलग अलग होता है और प्रोपगेट होता है। फरवरी मार्च में रजनीगंधा के बल्ब लगाए जाते हैं और इनसे ये ग्रो होते हैं। रजनीगंधा समर्स का पेरिनियल प्लांट है और विंटर्स में ये डोरमेंसी में चला जाए। विंटर्स में इसकी सारी लीव्स उड़ जाती हैं, बिल्कुल भी एक भी लीव नहीं रहती। और इसे जब ये फरवरी में इसकी वेल्ड पोटिंग सोयल बनाएंगे तो इसे अच्छी तरीके से 100 से 200 ग्राम खाद देंगे और जब इसका फ्लावरिंग सीजन हो तब इसे लिक्विड कंपोस्ट दें। लिक्विड कंपोस्ट में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट रात भर पानी में भिगो दें और वही पानी इस प्लांट को दे दें अगर आप ऑर्गेनिक रहना चाहते हो। अगर आप केमिकल के थ्रू जाना चाहते हो तो 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच पोटाश, तीनों को डिजोल्व करके वो पानी इस प्लांट को दे सकते हैं केमिकल के थ्रू। रजनीगंधा फ्लावरिंग प्लांट है। जब इसका फ्लावरिंग सीजन हो तब इसे अच्छी तरीके से लिक्विड मैन्योर दें। रजनीगंधा प्लांट को जब भी आप 9 इंची या 12 इंची गमले में लगाए तो 3 से 4 बल्ब ही लगाएं, जिससे यह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। रजनीगंधा प्लांट इसके बल्ब अरबी की तरह होते हैं जो नीचे से नीचे बढ़ते रहते हैं। रजनीगंधा की मिट्टी पोरस होनी चाहिए। बल्बस प्लांट जो भी हो उनकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए क्योंकि उनको बढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छी जगह मिल सके। रजनीगंधा के प्लांट जब भी आप लगाएं तब इसके बल्ब को नीचे थोड़ा नीचे लगाएं, जिससे ये थोड़ा ऊपर आएगा तो मिट्टी को फिल कर देंगे, जिससे ये पत्ते इधर उधर नहीं फैले। रजनीगंधा फ्लावर सो ब्यूटीफुल फ्लावर है। इसको बुकेज में 15 से 20 दिनों तक ये खिला रहता है और स्वीट स्मेल होती है इसकी, बहुत अच्छी स्मेल होती है। जब भी इसके स्पेंट फ्लावर हो जाए तब इसके इस स्पाइक को यहाँ से नीचे से काट दें। नीचे से काटने से क्या होगा कि ये स्पेंट स्पाइक न्यूट्रिशन लेती रहेगी और प्लांट हमारे लिए कोई काम की भी नहीं है, तो इसे कट कर दें, नीचे से कट करें। रजनीगंधा में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और इस प्लांट रजनीगंधा प्लांट को मल्चिंग जरूर करें। जब भी आप लगाएं तो 5-4 बल्ब एक 12 इंची के गमले में 5 से 6 बल्ब भी लगा सकते हैं और ये रिपीटेड फ्लावर करता रहता है। अगर इस प्लांट में रजनीगंधा प्लांट में फंगस होने पर क्या करें, फंगस होने पर 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच लिक्विड डिशवॉश दोनों को डिजोल कर लें और वह पानी इस प्लांट पर स्प्रे करें। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।